सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम खुशी है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अभी मैंने एमबीए की डिग्री पूरी की थी। मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में ज़्यादा लोग नहीं थे। ससुर जी की बहुत पहले ही मृत्यु हो गई थी, जबकि सास जिंदा थी और छोटी ननद महक थी, जो उस वक्त मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, जबकि मेरा पति एक दफ्तर में जॉब करता। मेरे ससुर की अच्छी पेंशन थी, जो कि मेरी ननद की पढ़ाई पर खर्च हो जाती थी, जबकि घर में मेरे पति की तनख्वाह से चलता था। दरअसल मेरी सास और ननद अपने मतलब से मतलब रखती थी, इसलिए मुझसे वह दूर ही रहती थी, जबकि ये बात मुझे अपनी बेइज्जती लगती थी, क्योंकि उस बात को मेरे मायके वालों ने भी नोट किया। और एक दिन जब मेरी भाभी मेरे घर आई हुई थी, तब ये मुझसे कहने लगी, लगता है कि तुम्हारी सास और ननद तुम्हें ज़्यादा भाव नहीं देते। वे दोनों माँ बेटी खा पी कर अपने कमरे में चली गईं और तुम्हें तो जैसे नज़रअंदाज कर दिया। ये बात मुझे अपनी बेइज्जती लगी और मैंने दिल में सोचा कि भाभी ठीक ही कह रही थी। और जब मैं उस घर में आई थी, कोई मुझसे सीधे मुँह बात नहीं करता था। ये माँ बेटी तो पढ़ाई का बहाना करके अपने कमरे में घुसी रहती थी, जबकि मैं बेचारी कमरे में बैठी बोर हो जाती थी। हालांकि ये दोनों मेरे पति के पैसों पर ही पल रही थी। फिर उस बात का एहसास होते ही मैंने दूसरी बहुओं की तरह नखरे उठाने शुरू कर दिए। ये दोनों माँ बेटियाँ मेरे पति के पैसों पर ऐश कर रही थी, सारा दिन अपने पूजा पाठ में बिजी रहती थी, बल्कि वह तो उस उम्र में होने के बावजूद खाना तक खुद बना लेती थी। शायद यही वजह थी कि मुझे लगता था कि मेरी सास मुझे नापसंद करती हैं, क्योंकि उसने मुझे अभी तक किचन के पास भी नहीं भटकने दिया था। ये बात मैंने अपनी माँ से कही थी तो मेरी माँ उल्टा ही मुझे डांटने लगी कि बेटा, तुम तो भगवान की कृपा मनाओ, उस झंझट से अब तक बची हुई हो, वरना मुझे ही देख लो कि बहुओं के होते हुए भी मैं ही सारा घर का काम करती हूँ। इसलिए तुम्हें कह रही हूँ कि जब तक तुम्हारी सास तुम्हें किचन संभालने को नहीं कहती, तुम खुद से मत कहना, क्योंकि जब तुम्हारी सास मर जाएगी, जब तुम्हें एहसास होगा कि उसने तुम्हें कितनी जिम्मेदारियों से बचा रखा है। मगर मेरी सास ने ये कहकर मेरे पर काट डाले कि ये घर उसके नाम पर था। इसलिए मेरी सास ने कहा कि अगर तुम्हें अपने पति की तनख्वाह का इतना गुमान है, अपने पति को लेकर मायके जा बैठो, हमारा तो भगवान है। ये सुनकर मैं चुप रह गई और दोबारा उस बारे में कोई बात नहीं छेड़ा, क्योंकि मेरे मायके में तो गिने चुने कमरे थे और उन पर मेरी भाभियां कब्जा जमा कर बैठी थीं, इसलिए मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी। फिर जब तक मेरी सास जिंदा रही, मैं उन दोनों के रूखे फीके रवैये को बर्दाश्त करती रही। वैसे भी मेरी ननद और सास मेरे किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करती थी। मेरी ननद तो सारा दिन घर से बाहर रहती थी, जबकि मेरी सास भी कोई झगड़ा वगैरह नहीं करती थी। उन्होंने मुझे कई चुनौतियों से बचाया हुआ था। माँ की बात सुनकर मैं चुप हो गई और उस बात का एहसास तब तक हुआ जब तक अचानक ही मेरी सास मर गई और सारे घर की जिम्मेदारी एकदम मेरे सर पर आ गई। मेरी ननद का तो वैसे ही पढ़ाई का बहाना था, इसलिए उसने तो मेरी मदद करने से मना ही कर दिया था। ऐसे में मेरी जान आफत में आ गई, क्योंकि उन दिनों मैं उम्मीद से थी। खैर, सर पर पड़ी तो मैं सब सीखती गई, मगर नंद की तरह से मेरे सिकवे बढ़ते ही गए, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ वो और बिजी हो गई और मैं अंदर ही अंदर उससे जलने लगी, क्योंकि मेरी नंद खूबसूरत और दिमागदार थी। मेरी सास के मरने के बाद मेरे पति की जिम्मेदारी बन गई थी, क्योंकि मेरा पति उसका इकलौता भाई था, मगर अपनी माँ पर गई थी, क्योंकि उसने भाई पर बोझ बनना पसंद नहीं किया। जब भी उसे मेरी ससुर की पेंशन मिलती थी और उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा उसी से निकल आता था और यूं भाई के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता था, और यही बात मुझे बुरी लगती थी, क्योंकि वह खूब मनमानी कर रही थी, मेरी तो कोई बात सुनती ही नहीं थी। वह पढ़ाई के नाम पर सारा दिन बाहर रहती थी और शाम को खा पी कर आती और अपने कमरे में सो जाती थी। उसे नहीं पता था कि घर कैसे चल रहा था, आजकल कितनी महंगाई हो गई थी। उस दौरान हमारे दो बच्चे भी हो गए थे और मुझे आटे दाल का भाव का पता चल गया था।
अब तो पति के तनख्वाह में गुजारा मुश्किल हो रहा था। मैंने एक दिन अपने पति से कहा कि अपनी बहन से कहो कि बस अब पढ़ाई छोड़कर शादी कर ले, ताकि ससुर की पेंशन हमारे काम आए। मगर वह तो गुस्सा ही कर गया और कहने लगा, ये घर बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं, इसलिए तुम मेरी बहन को इसमें मत घसीटा करो। डॉक्टर बनना सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि मेरे और मेरे पापा का भी ख्वाब था, इसलिए जो कुछ कर रही है उसे करने दो। ये सुनकर तो मैं और जल भुन कर रह गई थी। मैंने तो उसके फायदे की बात की थी, मगर वह तो मुझ पर ही चिल्ला पड़ा। इसलिए मैंने दिल में सोचा कि आइंदा इसे ये बात नहीं कहूँगी। और यूँ वक्त गुजरता गया और मेरी नंद मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन गई। उसकी तनख्वाह मेरे पति से भी ज़्यादा थी। ये देखकर मैं लालच में आ गई और मैं अपने दिल में सोचने लगी, काश मेरी ननद की शादी मेरे भाई से हो जाए, क्योंकि मेरा एक आखिरी भाई बचा हुआ था। वैसे तो वह पढ़ रहा था, मगर मैं सोचने लगी कि अगर उसकी शादी मेरी ननद से हो जाती तो उसे जॉब करने की क्या ज़रूरत थी। खैर, उसे मेरी ननद की इतनी ज़्यादा तनख्वाह थी कि मेरा भाई तो घर बैठकर खा सकता था। इसलिए मैं चाहती थी कि मेरी ननद मेरे उस भाई से शादी कर ले, मगर वह कहाँ किसी को घास डालती थी और अच्छा खाती पीती और खूब फैशन करती थी। उसके कई चाहने वाले थे। फिर उन्हीं दिनों मेरे पति ने मुझे बताया कि कल महक ने मुझे अपने एक दोस्त से मिलवाया था और मुझे लगता था कि वे दोनों शादी करना चाहते हैं। ये बात सुनकर तो मुझे बहुत बुरा लगा। भाई भाभी के होते हुए उसने खुद ही अपनी शादी का फैसला कर लिया और हमसे पूछना भी गवारा नहीं समझा। और ये बात मैंने फिर से उसके भाई से दबे दबे शब्दों में कही, मगर उसे तो कोई ऐतराज नहीं था। वह तो अपनी बहन के फैसले पर बड़ा खुश लग रहा था और एक दिन उस लड़के को भी घर ले आया जिससे मेरी ननद शादी करना चाहती थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरी ननद ने अपने जीवन साथी के तौर पर अपने ही एक डॉक्टर दोस्त को चुन लिया जो उससे भी ज़्यादा हैंडसम और काबिल था। ये देखकर तो मैं जल ही गई, क्योंकि मेरे पति ने भी बहन के उस फैसले पर कोई एतराज नहीं किया। और यूं एक दिन उन दोनों की बड़ी धूमधाम से सगाई और शादी की तारीख एक महीने बाद की रख ली, क्योंकि मेरी ननद का होने वाला पति एक कोर्स के सिलसिले में बाहर चला गया था। ये देखकर मैं अब साजिशें करने लगी कि किस तरह मेरी ननद की ये अकड़ ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसने जैसा चाहा था ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। मेरी ननद पहले ही उस घर में गैरों की तरह रहती थी, अब तो और भी अजनबी हो गई। पैसा, शोहरत और खूबसूरती पति के मिलते ही वह और मगरूर हो गई और अब तो उसकी निगाह जमीन पर नहीं मिलती थी, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ख्वाबों को पूरा कर लेते हैं। इसलिए मैं उससे जलने लगी और उसका बुरा सोचने लगी। मैं चाहती थी कि अगर मेरी ननद मेरी भाभी नहीं बनी तो ये किसी की ना बने। इसलिए मैं कुछ ऐसा सोचने लगी कि जिससे मेरी ननद की शादी टूट जाए और वह अपनी औकात में आ जाए। इसलिए मैं एक दिन अपने दिमाग में ये मंसूबा बनाया, मैं सीढ़ियों पर तेल लगा देती हूँ ताकि मेरी ननद जब सुबह नीचे उतरे तो उसका पैर फिसल जाए, क्योंकि रोज़ सुबह जब मेरी ननद हाई हील पहनकर खट खट करती सीढ़ियों से उतरती थी तो ये देखकर मेरा दिल जल भुनकर कोयला हो जाता था। मेरी ननद का कमरा ऊपर के फ्लोर पर था, जबकि नीचे के हिस्से में हम मियाँ बीवी रहते थे। उसके लिए एक रात मैंने सीढ़ियों पर तेल मिलाया और फिर अपने कमरे में आ गई और मैं दिल ही दिल में खुश होने लगी। सुबह जब मेरी नंद सीढ़ियों से उतरेगी तो उसका पैर फिसलेगा और उसकी टांग टूट जाएगी। और फिर मैं ये सोचते सोचते नींद में चली गई और सपने में क्या देख रही हूँ कि मेरी नंद की टांग टूट गई है, उसके पति ने उसको छोड़ दिया है और उसकी शादी मैंने अपने भाई से करा दी है और मैं अपने मायके गई हूँ तो उससे खूब अपनी सेवा करवा रही हूँ और अपने तेवर उसको दिखा रही हूँ। लेकिन सुबह जागी तो याद आया कि ये सिर्फ सपना था, मगर मैंने जो इंतजाम कर रखा था उससे ये सपना जल्दी ही हकीकत के रूप में आने वाला था। फिर मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सुबह नाश्ता बनाते हुए मुझे किसी के गिरने और चीखने की आवाज़ सुनकर बाहर निकली, मगर सामने का मंजर देखकर मेरी तो जैसे जान ही निकल गई।
जबकि मेरी ननद तो ऊपर ही खड़ी थी। जब सीढ़ियों पर मेरा पति गिरा हुआ था, भाई को सीढ़ियों पर गिरा देखकर मेरी ननद आगे बढ़ी, मगर मेरे पति ने उसे रोकते हुए कहा, महक नीचे मत आना, सीढ़ियों पर किसी ने तेल मिला दिया था। ये सुनकर वह रुक गई। जबकि ये सुनकर मैं जल्दी से आगे बढ़ी और पति को उठाते हुए कहा, ये तुम सुबह सुबह ऊपर कहाँ जा रहे थे? पति ने मेरी बात का जवाब देने के बजाय मुझे बुरी तरीके से घूरा। ये देखकर मेरा दिल धड़कने लगा, क्योंकि वह यकीनन मेरी सच्चाई जान चुके थे, ये कारनामे मेरा ही था। फिर मैंने जल्दी से सीढ़ियों को साफ किया और फिर मेरी ननद ने नीचे उतरकर अपने भाई की टांग चेक किया और कहा कि उसकी टांग टूट चुकी है। यूं मेरा पति बिस्तर पर बैठ गया, मगर उसने अपनी बहन की शादी करवा दी और अपने पति के साथ पेरिस चली गई, जबकि मैं अपने पति की टांग टूटने की वजह से और मुसीबत में पड़ गई, क्योंकि रात दिन उसकी सेवा करनी पड़ी और टांग टूटने की वजह से वह अपने ऑफिस भी नहीं जा पाए और उसकी वजह से उसे तनख्वाह नहीं मिल पाई। यूं मुझे पैसों की बहुत तंगी का सामना करना पड़ा। मैंने अपनी ननद का बुरा चाहा था, मगर वह तो साफ बच गई, जबकि मैं अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गई। सच है कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है या बुरा सोचता है, एक दिन खुद ही उसमें गिर जाता है। इसलिए सबके साथ अच्छा सलूक करें और किसी का बुरा ना चाहें। ये थी मेरी मोटिवेशनल कहानी। तो कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।